79,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बचे हुए 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। दिसंबर से पहले हफ्ते में ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम योगी चयनित करेंगे इन सभी को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जिसमें कई गड़बड़ी भी सामने आई थी। उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं, 69,000 में जो बाकी के अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उनको दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। एक अच्छी खबर और एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो 36,590 अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उनको रिक्रूटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, यानी कि एक हफ्ते बाद यह पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। जो संकेत मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको अब रिक्रूटमेंट लेटर दिए जाएंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो हुई थी, उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो शेष रह गए थे। उन शेष अभ्यर्थियों में 36,590 जो अभ्यर्थी हैं, इनको दिसंबर के पहले हफ्ते में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और ये नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ चयनित अभ्यर्थियों को आवास से देंगे, और इसके अलावा जिलों में प्रभारी मंत्री और वहाँ के स्थानीय विधायक मौजूद रहेंगे और सांसद मौजूद रहेंगे, और बाकायदा कार्यक्रम करते हुए वहां पर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं, वो 69,000 सहायक शिक्षकों में से ही हैं। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों को काफी इंतजार था, अब इंतजार वो खत्म सा लग रहा है। जिस तरह से 36,590 शिक्षकों को दिसंबर के पहले हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है, तो एक राहत भरी खबर जरूर है। संकेत, पहले वाले जब नियुक्ति पत्र दिए गए थे उसमें तो सरकार ने भी माना था कि गड़बड़ी आई है सामने, लेकिन इस बार ये कहा जाए कि आराम से पूरी मॉनिटरिंग करके रिक्रूटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो गलती एक बार हुई मुख्यमंत्री ने उसमें सरकार भी अफसरों को लगाई थी, और अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश है कि किसी भी तरीके से कोई हिलावाली, कोई लापरवाही, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से अफसर इसमें काम कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि 36,590 शिक्षकों को दिसंबर के पहले हफ्ते में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। वही अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी नहीं, योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको भी नहीं मिल रही थी भर्ती, तो ऐसे में 1,133 जो पद हैं उनको छोड़ के बाकी 36,590 पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। अभ्यर्थियों को कुछ सालों से इंतजार भी था रिक्रूटमेंट लेटर का। जिस तरह हमने देखा था पिछले कार्यक्रम में संकेत, तो मुख्यमंत्री ने खुद उन अभ्यर्थियों से बात की थी और ये भी जानना चाहा था कि जहां पर भी उन्हें जो डेस्टिनेशन मिलेगी वहां पर वो काम करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या आने वाले समय में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा या सिर्फ अफसरों द्वारा ही रिक्रूटमेंट लेटर भेज दिए जाएंगे? इस बार जो तैयारी है सरकार की, वो तैयारी पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा बड़ी है। इस बार जिलों में बाकायदा सांसद विधायक एकत्र होंगे, और जो जिलों के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा हर जिले में एक प्रभारी मंत्री तैनात कर रखा है, और वो प्रभारी मंत्री जिलों में मौजूद रहेगा, सांसद विधायक मौजूद रहेंगे, और जो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे, जिला प्रशासन के सभी अफसर मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। और उनको 36,590 उनको दिसंबर के पहले हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। शुक्रिया संकेत जानकारी के लिए।